नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे को नई वीडियो पे। दोस्तों ये मेरी गाड़ी है विटारा ब्रेज़ा। तो दोस्तों इसमें मैंने टायर चेंज कराए हैं इसके, मैंने तो मैं पहले दिखाया था आपको गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है और कौन सी कंपनी के टायर डलवाए हैं, कितने डलवाए हैं, वो सारी डिटेल आपको दूंगा दोस्तों। तो गाड़ी लगभग चल चुकी है, 60,000 क्रॉस कर चुकी है, लगभग 60,000 पे एग्जैक्ट मैंने चेंज कराए थे टायर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं बिल्कुल 60,000 क्रॉस कर चुकी है गाड़ी। और दोस्तों बिल्कुल जो पुराने टायर थे अपोलो कंपनी के थे वो मैंने चेंज करवा दिए हैं, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, साइड में पंचर हो चुका था उनके अंदर, और हल्की सी मतलब थोड़ी ज़्यादा दूर चलाने से ही पंचर हो जाती थी, छोटी मोटी कंकड़ वगैरह पे भी स्लिप करती थी गाड़ी, तो ग्रिप बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अब मैंने दोस्तों ये योकोमा के टायर डलवाए हैं, इनका आप टायर देख लीजिए। तो ये ब्लू अर्थ ए करके हैं दोस्तों, बताते हैं 80,000 से 1 लाख किलोमीटर चल जाएंगे टायर। ये अभी डलवाए हैं मैंने, अगर चलेंगे तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। ये साइज़ है दोस्तों इसका, जो स्टॉक साइज आता है 215 वाला जो है, 60R16, वही डलवाए मैंने दोस्तों। तो काफ़ी बढ़िया टायर लगे मेरे को, सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ब्रेक भी अच्छे लग रहे हैं और स्टेबिलिटी भी गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी है। गेटअप ओवरऑल काफ़ी सिमिलर है पुराने टायर से ही। या आप पीछे से एक बार देख लीजिए कैसे दिखते हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है, जो नॉर्मल लुक था ब्रेज़ा का वैसा ही मेंटेन किया है टायरों ने। और दोस्तों ये इसके पीछे ट्रेड दिख रहा है ऐसा कुछ। तो टोटल जो कॉस्ट आई, जो कॉस्ट आई चारों टायर की योकोहामा के, दोस्तों 32,500 की आई। नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल भी दिखा दूंगा कि कितनी कॉस्ट आई गाड़ी के टायर्स की। दोस्तों 32,500 में चारों टायर चेंज करा लिए मैंने, 7,500 का मिनिमम अपोलो का टायर आ रहा था, तो मैंने सोचा योकोहामा के थोड़े अच्छे टायर भी हैं। तो दोस्तों यही सब था वीडियो में, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद दोस्तों।